मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल के अंदर फिनिशिंग के ऑपरेशन। जिसमें हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो उसकी प्रोजेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास फिनिशिंग ऑपरेशन है पॉइंट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग, ठीक है। तो हमने ये ऑपरेशन किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले अगर आप वो देख लेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आएगा कि आज हम बाकी के करने वाले हैं प्रोजेक्शन। तो इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे प्रोजेक्शन पॉइंट, हमें देखते हैं इसकी एक और एग्जांपल, और उसके बाद हम करेंगे प्लेन फिनिशिंग, उसके बाद हम करेंगे लाइन फिनिशिंग, और उसके बाद हम करेंगे कर्व फिनिशिंग। तो हम कर्व फिनिशिंग भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टूल पाथ हैं, और उसके बाद हम देखेंगे प्लेन में हमारा क्या होता है और लाइन में क्या होता है, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि पॉइंट प्रोजेक्शन के क्या रूल हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास, हमारे को जो आता है, अगर आपने मेरी पिछला ट्यूटोरियल देख लिया है तो हमारे को पॉइंट प्रोजेक्शन आता है। बट पिछले ट्यूटोरियल में एक एग्जांपल हमारी मिस हो गई थी कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सरफेस है जहाँ पर सर्कुलर शेप नहीं है, ठीक है, तो मैं दोबारा से टूल पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। अब हमने स्पाइरल ही लिया है, ठीक है, अगर हम इसके पैटर्न में जाके देखें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक चल रहा है, ये प्रव्यू करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब असूल तो ये कहते हैं कि इस पॉइंट की प्रोजेक्शन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ प्रोग्राम बनना चाहिए, पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो देखो कैसे बनता है ये प्रोग्राम, ये इस जगह पर नहीं गया क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर पड़ेगी ही नहीं इस सरफेस के ऊपर। ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो सरफेस है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जीरो के अकॉर्डिंग, वो उसकी परछाई वहाँ पे पड़ेगी नहीं, वो अंडरकट की तरह है उसके लिए, इस पॉइंट के लिए। तो पिछले एग्जांपल में मैं यही समझाना चाह रहा था कि पॉइंट प्रोजेक्शन के अंदर उस जगह पे, क्योंकि इसका नाम ही प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो उस जगह पे टूल पाथ नहीं क्रिएट होगा जहाँ पे उसकी प्रोजेक्शन नहीं पड़ सकती। अगर ये चीज़ ऊपर को होती, अभी जैसे ये नीचे को है कट लगा हुआ, अगर ये ऊपर को होता तो प्रोग्राम बनता, ठीक है, बट अगर क्योंकि ये नीचे है इसलिए इसमें प्रोग्राम जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम ये समझना चाह रहे थे। अब बात है कि अगर ये जगह बच गई तो क्या करें, अब इसका भी हमारे को टूल पाथ चाहिए। तो इसका हल जो है वो हमारे आज वाले ट्यूटोरियल में है, वो है प्रोजेक्शन प्लेन। तो हम पर्टिकुलर उस एरिए पे प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही हम टूल पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। इसकी ये फोटो में भी हमारे को नज़र आ रहा है, एक प्लेन नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, है ना। तो हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं कैसे नज़र आया हो। तो जैसे ही हम टूल पाथ में जाएंगे तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो हमारे को नज़र आने लग जाएगा कि मेरा प्लेन कहाँ है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त प्लेन जो है हमारा 00 पे पड़ा हुआ है, लोकेशन 00 है, ठीक है, और इसकी एलिवेशन भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो काम है इसको, अब देखो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, इसकी परछाई तो हवा में पड़ेगी, तो इसका मतलब इससे कोई टूल पाथ जनरेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो चला के देखना तो कैलकुलेट करके देख लो, कोई टूल पाथ जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्लेन ही बना ही इस तरीके से हुआ है कि उसकी परछाई कहीं पड़ ही नहीं सकती। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन को करना पड़ेगा रोटेट, ठीक है। तो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर लिया, पर परछाई तो अभी भी नहीं कहीं पड़ेगी, तो हमारे को इसको एलिवेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको 45 डिग्री एलिवेशन दे दी, ठीक है। तो प्रव्यू करके दिखाता हूँ मैं, तो देखो इसकी कुछ एरिया पे अब जो है ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, यानी इसकी प्रोजेक्शन जो है इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी अब, है ना, पॉइंट से। अब देखो अगर इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं मैं तुम्हारे को, तो ये इतने एरिए में इसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी, ठीक है। तो इसको करते हैं आइसोमेट्रिक, कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। कभी भी चाहो तो आप किसी भी सरफेस पर क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हो ताकि हमारे को अच्छे से नज़र आए प्लेन हमारा, ठीक है, प्लेन नज़र आने लग गया ना। तो
हम यहाँ पे व्यू में जाके ये ट्रांसफॉर्म बंद कर देंगे तो हमारे को सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आएगा, और अगर मैं वर्क प्लेन को एक्टिव कर देता हूँ तो हमारा वर्क प्लेन भी अच्छे से नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्लेन पड़ा है यहाँ पे, प्रीव्यू करके देखता हूँ तो यहाँ पे आता है। अब मैं सिर्फ कैलकुलेट दबा रहा हूँ, कोई चेंज और नहीं कर रहा। 5 mm का स्टेप ओवर है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, पैटर्न में इस अभी यहाँ पे हाइट इसकी 10 है, स्टार्टिंग 10 से 100 तक। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, जितनी जगह में उसकी प्रोजेक्शन पड़ी उतनी जगह में टूल पाथ जो है जनरेट हो गया। ठीक है, मैंने बहुत सारे YouTube पर ट्यूटोरियल देखने की कोशिश की, बट मुझे कहीं पे भी पैटर्न प्रोजेक्शन का ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिला जैसा हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखना है ध्यान से। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, और अपना नाम ज़रूर लिख के जाना है कमेंट बॉक्स में भाई कौन लोग ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको प्रोजेक्शन लाइन भी सिखाऊंगा, प्रोजेक्शन कर्व भी सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मुझे मेल करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, मैं आपको मॉडल जो है सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो देखने का बेस्ट तरीका है कि आप साथ साथ कंप्यूटर खोल लो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है, तो ईजिली समझ में आ जाता है। तो अभी देखो, ये ओरिजिन से 10 mm ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओरिजिन से 10 mm नीचे कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। तो यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो हो गया। प्रीव्यू करके देखो, प्लेन जो है मेरा ज़ीरो पे आ गया, देखो। ठीक है, और ये है इसकी हाइट, इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो देखो, अब ये ज़ीरो से चलना शुरू हो गया है ना, उतने डिग्री पे देख रहे हैं हम। और अगर मैं इसको कर देता हूँ ओरिजिन चेंज कर देते हैं, हम ऐसे करते हैं, इसका ओरिजिन चेंज कर देते हैं। ओरिजिन चेंज करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यानी कि मेरा प्लेन अब कहाँ से बने, यहाँ से बने, ज़ीरो से ना बने, इस पॉइंट से बने। तो अप्लाई कर देते हैं और प्रीव्यू करके देखते हैं तो प्लेन मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के हमारे को क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम पैटर्न में जाएंगे और इसको कम कर देंगे, 90 कर देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा हुआ, थोड़ा और कम कर देते हैं। और सॉरी, ये तो हाइट है, ये हाइट है, हमारे को विड्थ कम करनी है। ठीक है, विड्थ हम इसको कर देते हैं 40, तो ये 40 पे ना चला गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से दे दें थोड़ा सा ज़्यादा, 12, ओह सॉरी इसको नहीं है, हमारे को देना, हमारे को स्टार्टिंग विड्थ में 12 करना, तो ये उधर को चला गया। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, देख रहे हो, और कैलकुलेट करेंगे तो ये उतने एरिया में ही जाएगा। ठीक है, अभी ये वन वे जॉइंट है तो इसलिए इतनी लाइनें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वापस आते हैं अपने पैटर्न के अंदर, और इसका भी लिंक जो है हम ऑन सरफेस है, इंक्रीमेंटल कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, प्लेन को हम रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसकी विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 90 की जगह कर दूँ 100 या 150, तो ये बड़ा हो गया है ना। और इधर से भी अगर मैं माइनस में दे दूँ 30, तो ये नीचे भी हो गया। तो जितने एरिया में आपको इसकी प्रोजेक्शन चाहिए उतने एरिया में आप प्रोजेक्शन बना सकते। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मेरा पूरे एरिया में चलने लग गया। अगर इसको मैं U की जगह V डायरेक्शन कर देता हूँ, अभी देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, अगर V कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से चलने लग जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अब इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप साइड व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें भी क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा प्लेन है। ठीक है, मॉडल को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो जहां पे तो प्रोजेक्शन हो रही है, देखो ये पूरा गोल नहीं बन रहा, ये पूरा गोल नहीं बन रहा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन के हिसाब से ही बन रहा है,
हमारे को मॉडल देख के ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको हमारे को कितने डिग्री पे इसको घुमाने हैं ताकि हमारा जो मॉडल है सही बने। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि प्रोजेक्शन हमारी किधर पड़ेगी। ठीक है, तो उसके को ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल के तौर पे हम मॉडल ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को मॉडल उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा, हमारे को स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी जैसा हमारा मॉडल है। ठीक है, कि हमारी उसके ऊपर शेडो पड़ेगी, प्रोजेक्शन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजीली समझ में आ गया कि हम इस ये टूल पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्शन फिनिशिंग का, प्लेन प्रोजेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि लाइन प्रोजेक्शन क्या है और कर्व प्रोजेक्शन क्या है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप ये प्रोजेक्शन कर्व का भी प्रोग्राम देख सको और लाइन प्रोजेक्शन का प्रोग्राम भी देख सको। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो।